कुमार देव कुमार प्रजापति, आप लोगों का आपके चैनल द साइंस विलेज पर स्वागत है। आज मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बताऊंगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो फ्लूइड को पंप करता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो जिसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसका जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट डिस्चार्ज रहता है और फ्लक्चुएटिंग रहता है कि एक समय जाता है बंद रहता है, मगर इतनी स्पीड में रहता है ये देख नहीं पाते कि कब बंद होता है कब स्टार्ट रहता है। और इसका लो डिस्चार्ज होता है, कॉन्स्टेंट होता है, प्रेशर भी इसका हाई प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप आप देखेंगे जैसा हीट इंजन है उसी की बात है, कंप्रेसर है उसी की तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ, जैसे आपका ये आपका ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, पिस्टन, जैसे हीट इंजन में पिस्टन होता है उसी तरह इसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ वर्किंग का होता है, इसमें ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गई, आपका ये आरपीएम पर राउंड करेगा, एन आरपीएम पर, ये आपका क्रैंक प्राइमरी मूवर से, जैसे हीट इंजन हो गया, ये मोटर हो गई एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर आपका रिजर्वायर होगा जहाँ से हमें वाटर लेना है, ठीक है। ये सेक्शन पाइप हो गया, सेक्शन पाइप, ये आपका रिजर्वायर हो गया, रिजर्वायर, ठीक, सेक्शन पाइप, ये सेक्शन वाल्व हो गई, सेक्शन वाल्व, ये आपका पिस्टन हो गया, पिस्टन सिलेंडर हो गया, जो इसका बोर है डाया जिसको बोलते हैं, ये आपका डी है, ठीक है। और रेडियस ऑफ क्रैंक, ओके, ये आपका डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ से सेंटर से हम लेंगे क्या, ये जो हेड होता है, हेड बोले तो डिस्टेंस, जहाँ से सेक्शन होता है, जहाँ जिस लेवल से वाटर होता है वहाँ से डिस्टेंस होता है, एचडी इसको बोलते हैं, एचएस बोलते हैं, सेक्शन, सेक्शन हेड बोलते हैं, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक जो इसका रेफरेंस मीन है वो जो पंप का, वहाँ से यहाँ पर जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है इसको डिलीवरी डिस्चार्ज हेड या डिलीवरी हेड बोलते हैं, ठीक, एचडी से डिनोट करते हैं, एच डी से डिनोट करते हैं। और ये आपका डिस्चार्ज पाइप हो गया, डिस्चार्ज पाइप, ओके। अब यहाँ पर क्या इस, ये जो इसका स्ट्रोक है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये आर है जो रेडियस, आर ये जो पूरा सर्कल बना रहा है, जो इसका डाया होगा वही इसके एल के बराबर, एल इसको टू टू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एल इजकल टू टू आर, ये एन आरपीएम पर राउंड कर रहा है, जैसे कि कोई हमारा डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिक मोटर है उससे हम इसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। और ये हमें यहाँ से वाटर को सेक्शन करके, यहाँ से सेक्शन करके हमें डिस्चार्ज जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएगा, ये
मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज टू हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, ये इसका काम होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप या सेंट्रीफ्यूगल दोनों का यही काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करते हैं। अब इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे कि कितना पर सेकेंड या पर रेवोल्यूशन कितना ये जो डिस्चार्ज हो रहा है वाटर का कितना होगा। आप समझ रहे हैं कि ये इसका यदि यहाँ पर सील लगी होंगी, ये पूरा सील होगा वाटर सील, जिसे इसमें वैक्यूम पूरा रहे, एयर ना रहे, ठीक है। जब ये जब राउंड करेगी इस पोजीशन पर आएगी तो ये आपका पिस्टन यहाँ पर होगा, तो ये वाल्व आपकी जो सेक्शन वाल्व है ओपन हो जाएगी, जिससे इसका अमाउंट यहाँ तक पूरा वाटर भर जाएगा और ये आपका क्लोज रहेगा। कौन सा वाल्व है ये? डिलीवरी वाल्व है आपका, डिलीवरी वाल्व सेक्शन वाल्व, ये डिलीवरी वाल्व होगा, ठीक है, या डिस्चार्ज वाल्व वाल्व बोल सकते हैं, डिलीवरी वाल्व। ओके, अब हम फाइंड करेंगे कि पर क्रैंक जो है, क्रैंक के एक चक्कर में जैसे यहाँ से घुमा पूरा यहाँ पर आया, ये आपका अप डाउन मोशन करेगा, एक चक्कर में जैसे ये घुमा तो ये पीछे से यहाँ तक आएगा। अब हम फाइंड करेंगे वन स्टेप में कि व्हाट डिस्चार्ज ऑफ वाटर वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, ठीक है, क्रैंक के एक चक्कर में कितना वाटर है डिस्चार्ज करेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका और ये जो एरिया है पिस्टन का, पिस्टन का एरिया है सब बोले तो ये एकदम फ्रंट से दिख रहा है। आप जैसे देख रहे हैं क्या, जैसे ये आपका पिस्टन हुआ है, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन, ये यहाँ पर इसका ये क्रॉस सेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है, ये आपका हमारे ए है। ओके, अब ये कितना डिस्चार्ज करेगा वाटर, आप जानते हैं एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है उसी के क्वांटिटी के बराबर वाटर डिस्चार्ज होगा। ओके, तो हम मान लेते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस जो है क्रैंक वो स्ट्रोक लेंथ जो आपकी है उसी के मल्टीपल हो जाएगा इंटू पर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन को हम एनसेट डिनोट करते हैं, ठीक है, आपका एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्चार्ज होगा एल एन। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, हमें आपको हमें तो पता होगा डिस्चार्ज ये इतना होगा, ठीक है, अब हमें पता करना पर सेकेंड कितना डिस्चार्ज होगा। ओके, पर सेकेंड डिस्चार्ज होगा तो इसी का जो ये डिस्चार्ज है इसको ये पर मिनट में है, समझ लीजिए एक पर मिनट में एक रेवोल्यूशन में, मतलब क्रैंक के एक चक्कर में कितना डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको रिफाइन करेंगे क्यों एल एन बटे 60 बोले तो सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में इतना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है आपका, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में फाइंड करेंगे, अब डिस्चार्ज तो पता चल गया लेकिन अब कितना अमाउंट ऑफ वेट वाटर का डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए वेट आपको जानते होंगे, वेट बोले तो फोर्स होता है, फोर्स वेट W इजकल टू एम जी, ठीक है, एम जी एम जो द्रव्यमान है उसका वाटर का, वो हम एम इजकल टू जानते हैं आयतन गुणे घनत्व होता है, ठीक है, और ये वेट पर सेकेंड जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, वेट पर सेकेंड हम फाइंड करेंगे, वेट जो होगा वेट पर सेकेंड में होगा वो W बाई टी कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे जो होंगे 10 kg। आप यहाँ से ये इतना वैल्यू हो जाएगा क्यों का हमारा रो क्यों जी हो जाएगा, ठीक है, अब क्योंकि वैल्यू हम यहाँ से फाइंड किए हैं इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, रो क्यों कितना है एल एन बटे 60, क्यों, क्योंकि वेट वेट पर सेकेंड जो हो रहा है वो एल एन पर
रेवोल्यूशन में जितना हो रहा है उसका वही रखें, ठीक है। अभी आपका आ गया वेट, W का वैल्यू आ गया, ठीक है। पर सेकेंड इतना वेट आपका डिस्चार्ज होगा, ओके। अब हमें वर्क डन फाइंड करना होगा कि कितना कार्य करना पड़ेगा, कि जो इतना वाटर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें पंप पर कितना कार्य देना होगा, ठीक है। वह फाइंड करेंगे इसी के थ्रू कि कितना हमें कार्य करना पड़ेगा उस पर, इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप को चलाने के लिए, जो जैसे डीजल इंजन होता है या आपका मोटर हो गया उससे चलाने के लिए आपको कितना पावर देना होगा, ठीक है। ये हम फाइंड करेंगे पावर और वर्क। वर्क का फार्मूला आप तो जानते होंगे, डब्ल्यू जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या दूरी जो होगी वो एस प्लस एच डी होगी, जो डिस्टेंस होगी जो दोनों के बीच की, वही उसी के साथ मल्टीपल करेंगे। आप डब्ल्यू एफ 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 बोले तो वही डब्ल्यू वाला जो अभी वेट फाइंड किए हैं हम, अब डब्ल्यू हो जाएगा रो रो जी एफ एल एंड रेवोल्यूशन अपॉन 60 है इनटू डिस्टेंस जो है वो एच एस सेक्शन प्लस एच डी हो गया, ठीक है। हमारा वर्क इतना निकल के आएगा रो जी एल एन अपॉन 60। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, कैसे फाइंड होगा आपका, ये आपका वर्क निकल के आया, ठीक है। इतना वर्क करना पड़ेगा, यदि आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं या रेसिप्रोकेटिंग पंप चल रहा है आपको बोल दिया, यदि ट्रेनिंग के दौरान गए कुछ काम से करने के लिए तो बोल देगा कि आप इसका डिस्चार्ज फाइंड करो, तो डिस्चार्ज कैसे फाइंड करोगे इसका। सिंपली हम जाएंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के पास, उसका डाया देखेंगे या यदि उसमें लिखा है कितने बोर का है, उसके बाद उसका लेंथ स्ट्रोक देखेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने आरपीएम पे घूम रहा है वो, जैसे क्या फार्मूला होता है, क्योंकि ए एल एन बटे 60 आपका इतना डिस्चार्ज होगा, ये आप एरिया इसका फाइंड करेंगे, एल लेंथ ऑफ स्ट्रोक एन जितने आरपीएम पर ये चल रहा है, इसका रेवोल्यूशन हो रहा है वो, और मल्टीपल डिवाइड बाय 60 कर देंगे, आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है, मीटर के ऊपर सेकेंड में, या लीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, लीटर पर सेकेंड या मीटर क्यूब, वन मीटर क्यूब जो होता है इतने लीटर के बराबर होता है 1000 लीटर के, ठीक है। अब हम यहाँ पर वर्क फाइंड कर लिए, इसी तरह से हम उसका हेड फाइंड करके उसके लिए जो वर्क होगा उसको फाइंड करेंगे, ओके। अब दूसरे स्टेप में पावर फाइंड करेंगे, पावर जो होती है वर्क डन बाई 1000 होती है। अब यहाँ पर वर्क वाला फार्मूला से हम वर्क जो फाइंड किया उसका वैल्यू रख देंगे, रोजी है एल एन एच एस प्लस एच जी अपॉन 1600, ओके। ये आपका किलोवाट में आपकी पावर आ गई, ओके। इस तरह से आप इसके लिए जो पावर रिक्वायर्ड होगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। अब आप हम बता दें जो प्रेशर रिलेशन होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। प्रेशर रिलेशन जैसे बोले ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हाई प्रेशर के लिए यूज होते हैं, जैसे 10 bar से अधिक प्रेशर के लिए। यहाँ पर 1 atm हो गया, 1 atm इक्वल टू 1 atmospheric प्रेशर कितने बार के बराबर होगा, तो 10, 13, 25 bar के बराबर होगा, ठीक है। अब 1 atm पास्कल के बराबर होगा, सॉरी भाई पास्कल 1 atm
होगा ये 1.013 bar के बराबर होगा। बार जो ये यूनिट है उसकी प्रेशर की, और 1 bar में कितना, 1 bar इक्वल टू होता है 10^5 pascal या 10^5 Nm². पास्कल 1 पास्कल 1 Nm² के इक्वल होता है। अब ज़्यादातर देखे होंगे कि जो कंप्रेसर में यूज करते हैं प्रेशर, उसका मेजर करते हैं PSI में। PSI में 1 bar में कितना PSI होता है, वो होता है 14.5 PSI। PSI बोले तो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। ओके, पाउंड पर स्क्वायर इंच, 1 pound होता है 400.453 होता है kg, 453 kg होता है 1 pound। 1 pound इक्वल टू 453 kg, ये यूनिट है बार की, लोड की। ठीक है, इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना केजी पर यूनिट एरिया पर फोर्स लग रहा है। हम जैसे न्यूटन में दिया है, आप जानते हैं कि 1 kg में 9.8 newton या 10 newton मान के चलते हैं होता है। ठीक है, अब इतना तो समझते होंगे 1 kg कितना है। 1 kg सब्जी वब्जी लेने जाते, चावल लेने, बाढ़ भी देखी होंगे 1 kg का कितना होता है, उसे एज्यूम कर सकते हैं कितना है। इस तरह से आप यदि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है उसको फाइंड कर सकते हैं कि केजी में कितना होगा। आप अपने हिसाब से मान सकते हैं कि 20 kg होगा, 10 kg होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसे मेगा पास्कल है, किलो पास्कल में चेंज करेंगे, 1 MPa ये होता है 10^6 pascal। अब पास्कल को तो जानते ही हैं, 1 equal 1 Nm² होता है, ऐसे रिलेशन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वाइबा के पर्पज़ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।